प्रश्न दो है, निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिया एस्ट्रिक क्रम विनिमय तथा साहचर्य है कि नहीं। पहला प्रश्न है एन में तथा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जहां ए एस्ट्रिक बी बराबर है 2 की घात ab। अब हमें यहां एस्ट्रिक किस प्रकार से परिभाषित मिला है, ए एस्ट्रिक बी बराबर है 2 की घात ab। पहले हम क्रम विनिमयता को देखते हैं, तो क्रम विनिमयता के लिए ए एस्ट्रिक बी बराबर होना चाहिए बी एस्ट्रिक ए के लिए। ए एस्ट्रिक बी और बी एस्ट्रिक ए दोनों बराबर होने चाहिए। यदि ये है सत्य तो संक्रिया क्रम विनिमय है, अन्यथा वो क्रम विनिमय नहीं है। ए एस्ट्रिक बी हमारा क्या है, 2 की घात ab। बी एस्ट्रिक ए से क्या अभिप्राय होगा, बी एस्ट्रिक ए से अभिप्राय होगा 2 की घात ba। क्या 2 की घात ab और 2 की घात ba बराबर है, बिल्कुल बराबर है, अर्थात ये बात सत्य है। प्रत्येक ए और बी जो कि एन के अवयव हैं, तो प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए हम पाते हैं कि ए एस्ट्रिक बी बराबर है बी एस्ट्रिक ए के। ए की 2 की घात ab और 2 की घात ba, चाहे हम ए और बी के कोई भी दो मान ले लें एन में, तो दोनों मान बराबर होते हैं। अतः क्रम विनिमय का नियम क्रम विनिमय यहां लागू होता है इस संक्रिया में। अब हम देखते हैं साहचर्य का नियम। तो यहां साहचर्य के लिए हमें 3 अवयव लेने होंगे, ए बी सी, हमने 3 अवयव ले लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू एन। हमें क्या सिद्ध करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा कि ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। पहले ए बी के साथ एक साथ करेंगे, उसको हम सी के साथ देखेंगे। यहां हम बी और सी को एक साथ करेंगे, उसका फिर हम ए के साथ संक्रिया लगा के देखेंगे। तो हम इसको पहले देखते हैं, ए एस्ट्रिक बी से क्या अभिप्राय है, 2 की घात ab। 2 की घात ab एस्ट्रिक सी, 2 की घात ab। ए एस्ट्रिक बी किस प्रकार से परिभाषित है, 2 की घात ab। ये कितना हो जाएगा, 2 की घात a। a यहां क्या है, 2 की घात ab इंटू बी अर्थात इंटू सी। ये इस बात का अभिप्राय होगा, उन्हें समझ लेते हैं। ए एस्ट्रिक बी है 2 की घात ab, ये हमारा अब पहला अवयव बन गया एस्ट्रिक सी। अब ये तो हमारा ए है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। 2 की घात ये 2 तो मैंने ये वाला 2 लिखा है, ये मेरा ए है, 2 की घात ab जो है ये ए है, इंटू बी, बी हमने लिख दिया सी। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलता है। राइट हैंड साइड के लिए देखें, ये हमारा मान क्या आता है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी से क्या अभिप्राय होगा, 2 की घात bc। ये तो होगा, देखो बी सी, यहां ए बी है यहां बी सी है। अब इससे क्या अभिप्राय हुआ, इसका अभिप्राय हुआ 2 की घात, देखो ए अब क्या है, ए तो हमारा ए है, इंटू बी हमारा क्या है, बी है 2 की घात bc। 2 की घात bc, क्या ये दोनों बराबर हैं, 2 तो ठीक है 2 आधार है, परंतु घात यहां क्या है, 2 की घात ab इंटू सी है, यहां घात क्या है, a इंटू 2 की घात bc है। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों हम पाते हैं कि बराबर नहीं है, अर्थात ये बात सत्य नहीं है, अर्थात ये बात सत्य नहीं है, तो यहां साहचर्य का नियम लागू नहीं होता, इसलिए एस्ट्रिक सहचारी नहीं है, सहचारी संक्रिया
नहीं है, क्रम विनिमय है, सहचारी संक्रिया नहीं है। अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न है एन में जहां ए एस्ट्रिक बी बराबर है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी के। अब यहां देखो हमें क्रम विनिमय के लिए क्या सिद्ध करना है, ए एस्ट्रिक बी बराबर होना चाहिए बी एस्ट्रिक ए के, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए, एन समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों के लिए, प्रत्येक दो अवयवों के लिए ये बात सत्य होनी चाहिए, तो ये क्रम विनिमय होगी संक्रिया, अन्यथा एस्ट्रिक संख्या संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि ए एस्ट्रिक बी से तुम अभिप्राय क्या है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, बी एस्ट्रिक ए से क्या अभिप्राय होगा, बी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर ए, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के लिए बराबर नहीं हो सकते। मान लिया मैं ले लूं ए बराबर तो एक, बी बराबर ले लूं दो, तो ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का क्या मतलब होगा, एक प्लस दो प्लस एक का स्क्वायर इंटू दो, मान कितना आ जाएगा तीन, तीन और दो पांच, ये मान कितना हो जाएगा दो प्लस एक प्लस दो का स्क्वायर अर्थात चार इंटू एक, तीन चार और तीन सात, दोनों बराबर नहीं, अर्थात ये दोनों बराबर हम नहीं पाते हैं, एस्ट्रिक संक्रिया एक क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है, इसलिए संक्रिया एस्ट्रिक संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। कोई दो अवयव जो कि n के अवयव हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, उनके लिए हम a एस्ट्रिक b और b एस्ट्रिक a बराबर नहीं पा रहे हैं, इसलिए संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब हम सहचर्य देखते हैं कि क्या संक्रिया सहचर्य हैं या नहीं, यहां से मिटा देते हैं। सहचर्यता के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर होना चाहिए ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी के। अब हम बी एस्ट्रिक सी पहले देख लेते हैं, तो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी से क्या अभिप्राय होगा, बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी का। अब ए तो यहां ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये मान ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर इंटू बी अर्थात बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी के। उन्हें समझ लेते हैं इस बात को, देखो बी एस्ट्रिक सी, बी एस्ट्रिक सी से क्या अभिप्राय हुआ, बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी, बी प्लस सी इन दोनों का योग, पहले वाले का वर्ग, पहले वाले का वर्ग अर्थात बी का वर्ग इंटू सी इंटू दूसरे वाले का गुणा। अब ए के साथ इस संक्रिया को देख रहे हैं, तो पहला संख्या पहली संख्या लिख दी ए, दूसरी का जोड़ किया तो बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी, अब पहले वाले का तो वर्ग कर दिया इंटू दूसरी संक्रिया कर दी, मान कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, इसको देखते हैं, इसका मान कैलकुलेट करते हैं। देखो ए एस्ट्रिक बी से क्या मतलब हुआ, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ये तो हमारा ए एस्ट्रिक बी का मतलब हुआ, एस्ट्रिक सी ये तो मतलब हुआ, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट किया तो अब ये तो हमारा पहली पहला पद पहली अवयव हो गया, दूसरा अवयव हमारा ये है जो कि बी की जगह है,
कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस दूसरा पद अर्थात प्लस का सी प्लस पहले वाले का वर्ग अर्थात ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का वर्ग इंटू दूसरा अवयव अर्थात सी। स्पष्ट है कि ये दोनों हमें बराबर नहीं मिल रहे। क्या ये जो हमने प्राप्त किया है लेफ्ट हैंड साइड में और जो हमने राइट हैंड साइड में प्राप्त किया है, क्या ये दोनों मान बराबर हैं? ये दोनों मान बराबर नहीं है, इसलिए एस्ट्रिक संख्या एक सहचारी एस्ट्रिक संक्रिया सहचारी संक्रिया नहीं है। यहां इस स्थिति में हमने पाया कि जब एस्ट्रिक हमें इस प्रकार से मिलती है, इस प्रकार से परिभाषित मिलती है, तो वो क्रम विनिमेय भी नहीं है और वो सहचारी संक्रिया भी नहीं है। हम कोई दो अवयव लेके भी, हम n के कोई दो संख्याएं ले लें, हमने मान लिया ले लिया a बराबर तो ले लिया एक, b बराबर ले लिया दो, उससे भी हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि क्या ये सत्य है या नहीं है। तो उचित ये भी रहता है कि एक तो हमने ऐसा ए बी के लिए भी सिद्ध कर दिया, हम a बराबर एक ले लें b बराबर दो ले लें, तो हमें इसको सिद्ध करना होगा। अब इसको सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा, ए एस्ट्रिक और सी हमको मान लिया, सी मैंने ले लिया तीन, तीन संख्याएं मैंने ले ली एन की, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी अर्थात तीन, कैलकुलेट किया मान एक एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक, इसका दो एस्ट्रिक तीन का क्या अभिप्राय होगा, दो प्लस तीन प्लस दो का स्क्वायर अर्थात चार इंटू तीन, ये मान आ गया, कैलकुलेट किया एक एस्ट्रिक पांच और चार तीन बारह, बारह और पांच सत्रह, बारह और पांच सत्रह, एक एस्ट्रिक सत्रह, एक एस्ट्रिक सत्रह का मान कितना आ गया, पुनः एक एस्ट्रिक बी का मान रखा, एक प्लस बी, बी अर्थात सत्रह प्लस ए स्क्वायर अर्थात एक इंटू बी अर्थात सत्रह, तो सत्रह और एक अठारह प्लस सत्रह अर्थात मान आ गया पैंतीस के बराबर। ये हमारे को लेफ्ट हैंड साइड मिला, ये वाला मान मिला। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, ए एस्ट्रिक बी, राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, यहां से हम इसको मिटा लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, ए एस्ट्रिक बी अर्थात एक प्लस दो प्लस एक का स्क्वायर अर्थात एक इंटू टू एस्ट्रिक सी, सी अर्थात है तीन, ये हमारा राइट हैंड साइड आएगा, कैलकुलेट किया मान तीन और तीन और दो पांच, दो और एक तीन हो गया, दो एकम दो पांच, पांच एस्ट्रिक तीन, कैलकुलेट किया यहां पुनः परिभाषा से कितना हो गया, पांच प्लस तीन, पांच का स्क्वायर पच्चीस गुणा बी अर्थात पांच और तीन आठ, पच्चीस तीन पिचहत्तर, मान कितना आ गया, पिचहत्तर प्लस आठ अर्थात तिरासी। लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्राप्त किया पैंतीस, राइट हैंड साइड में प्राप्त किया तिरासी। स्पष्ट है कि दोनों बराबर नहीं है, स्पष्ट है कि दोनों बराबर नहीं है, अर्थात संक्रिया एक सहचारी संक्रिया नहीं है। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया, यदि एस्ट्रिक इस प्रकार से परिभाषित है तो वो ना तो क्रम विनिमेय है और ना ही वो सहचारी संक्रिया है। अब हम तीसरे प्रश्न को लेंगे।